गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज फाइनली द वेट इज ओवर। तो हाँ गाइज मैं अपने इंटीरियर्स को अपग्रेड कर रहा हूँ। बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि मैं अपने सीट कवर्स को चेंज करने वाला हूँ। इसमें स्टीयरिंग व्हील पे भी एक नया कवर लगाने वाला हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है और फट चुका है। देख सकते हो बहुत ही बड़ा पार्सल आया हुआ है और आप देख सकते हो ये पूरे बैग में मेरे सीट कवर्स है पूरे कार के आगे से लेके पीछे तक। तो अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो इसका टेक्सचर कैसा है। ये एक्चुअली जो है इन लोग ने स्टिच करके भेजा है पूरा। तो ये वाला जो सेक्शन है ये पीछे के आर्मरेस्ट वाला सेक्शन है। तो आप देख सकते हो ये अंदर का क्वालिटी भी और बाहर का क्वालिटी भी। एक्चुअली मेरे को ये लेदर का क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगा और एकदम अच्छे क्वालिटी से बना हुआ है। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा रस्सी दिया हुआ है इन लोग ने। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेड रेस्ट है। तो ये हेड रेस्ट को भी एकदम प्रॉपरली इन लोग ने स्टिच करके भेजा। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आपको एक सीट कवर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो सीट कवर का क्वालिटी आप देख सकते हो। ये फ्रंट पैसेंजर सीट का है। देख सकते हो हम लोग जिधर बैठते हैं वहाँ पे भी इन लोग ने फोम लगा के दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रॉपर लाइनिंग वाइनिंग सब करके दिया है। और फोम का क्वालिटी भी अच्छा है। फोम भी ख़राब हो गया तो भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे इन लोग ने एक्स्ट्रा फोम पहले से ही दिया हुआ है। और अंदर का भी क्वालिटी अच्छा है। ऐसा भी नहीं कि ये सीट कवर जल्दी से फट जाएगा। आप देख सकते हो ये इन लोग का डिज़ाइन। ये डिज़ाइन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जो सेक्शन है ये पीछे सीट का है आप देख सकते हो कितना बड़ा सेक्शन दिया हुआ है इन लोग ने। फ्रंट और सब इन लोग ने प्रॉपरली अटैच करके दिया हुआ है। पहला पार्ट जो है ये फ्रंट पैसेंजर सीट का है। यहाँ पे आप देख सकते हो वो धागे के साथ ये भी इन लोगों ने दिया हुआ है। ये क्लिप से शायद ये भी फिटिंग करने के काम में आता होगा। तो आपको मेरा अभी जो इंटीरियर है उसका हालत दिखा देता हूँ। लिटरली आप बोलोगे इसको ये चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू कैन सी माई इंटीरियर। सो इंटीरियर्स में आप देख सकते हो ये पूरा एज हो गया इंटीरियर। आप देख सकते हो यहाँ से फट फिट चुका है। मतलब पूरा इसको चेंज करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हो गाइस इंटीरियर का वही हालत है। ये वाला जो पार्ट है ये डोर का ये भी शायद हम लोग चेंज करने वाले हैं क्योंकि ये पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत सारी यूसेज मार्क्स आ गए और यहाँ पे भी क्रैक्स सब आ चुके हैं। पहले ना गाइस इस पे शेयरिंग कवर था वो मैंने निकाल दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा था। तो उसको मैंने निकाला और बाद में पता चला कि अंदर तो बहुत हालत ख़राब है। तो मैंने सोचा कि जब भी मैं सीट कवर का काम करवाऊंगा तो साथ में इसका काम करवा दूंगा। तो हाँ अभी हम लोग स्टीयरिंग व्हील कवर भी चेंज करने वाले हैं। तो आप देख ही सकते हो कि कैसा हालत हो गया। इसके वजह से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी लगती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने कार का एक्सटीरियर और इंटीरियर एकदम बराबर ले नहीं पाते। कभी कभी लोग अंदर का पूरा इंटीरियर रेड कर देते कभी पूरा येलो कर देते। वो एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं दिखता है। बेसिकली कार के एक्सटीरियर पर भी डिपेंड करता है। तो बीच कलर और ग्रे कलर बहुत ज़्यादा मैच करता है और टैन कलर और ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा मैच करता है। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बीच कलर के इंटीरियर्स है थोड़े से मेरे, उसको अभी टैन के साथ हम लोग रिप्लेस करने वाले। लेट्स सी कि ये कैसा दिख के आता है। तो कलर कॉम्बिनेशन है वो एकदम प्रॉपरली आपको चूज करना चाहिए एक्सटीरियर और इंटीरियर को देख के। ऐसा नहीं कि कोई भी छोटा मोटा गाड़ी है उसमें रेड कलर कर दीजिए, पूरा रेड कीजिए, वो अच्छा नहीं दिखता है। वो समझ के आपके इंटीरियर्स को चूज़ कीजिए। ऐसा ही समझिए कि आपका घर है और आप इसमें पेंटिंग करा रहे हो। बाहर आ चुके हैं अभी हम लोग। एक्चुअली कहाँ जाने वाले हैं, अभी दो तीन जगह में ढूंढता हूँ, उधर चेक करता हूँ कि मुझे कोई फिटर मिलता है या नहीं क्योंकि मुझे स्टीयरिंग व्हील कवर भी लगाना था। एक्चुअली हम लोग ये सीट कवर जो है वो मैं खुद से ही लगाने वाला था बट मैंने सोचा कि अभी एक ही बार लगाते हैं हम लोग सीट कवर, तो कोई प्रोफेशनल के पास जाके लगाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं, दो तीन स्टोर्स मुझे पता है। कवर्स के जो मेजरमेंट्स हैं हमारे पास बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर है, एकदम प्रॉपर है। तो मैंने सोचा कि फिटिंग भी एकदम प्रॉपर जगह से ही कराना चाहिए। हम लोग आ गए और गाड़ी का काम स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील कवर निकाल रहे हैं और अंदर आप देख सकते हो पूरा सीट वीट सब निकल चुका है। एक बार मैं आपको अंदर का लुक दिखा देता हूँ। सो गाइस एज़ यू कैन सी ये डोर पैनल्स में हम लोग ने निकाल दिए। डोर पैनल्स इसीलिए निकाले ताकि वो जो साइड के जो थे पूरे, मैंने बोला था वो चेंज करने वाला हूँ मैं, तो वो भी चेंज करेंगे। अभी गाड़ी की हालत सभी चीज़ निकाल दिया, ये सीट भी हम निकाल के अंदर लेके गए। तो अभी जो है इन लोग सब फिटिंग कर रहे हैं। फिटिंग का मैं आपको इतना ज़्यादा दिखा रहा नहीं हूँ क्योंकि वो जो है जो नॉर्मल फिटिंग ही करते हैं वो कोई भी फिटर आपको करके दे देगा आराम से। स्टीयरिंग व्हील कवर लगा दिया हम लोग ने और तीसरा दिन। पहले दिन में तो हम लोग ने अनबॉक्सिंग सब करके दिखाया और दूसरे दिन में हम लोग ने पूरा इंस्टॉलेशन किया। तो इंस्टॉलेशन करते टाइम मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग ने फिटिंग कराने दिया था हमारी गाड़ी को, सुबह दिया था एक्चुअली,
तो कम से कम 5 से 6 घंटे लगे फिटिंग करने में। तो फिटिंग में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैं भी ये नहीं चाहता था कि जल्दी जल्दी काम हो, क्योंकि हम लोग सीट कवर का काम एक ही बार करते, बार बार नहीं करते, मैंने पहले बताया था। तो आराम से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको बता दो कि फिटिंग कैसा हुआ है, एक्चुअली क्या किया उन लोगों ने। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, उन लोगों ने सीट सभी बाहर निकाले, सीट को अच्छे से फिटिंग कराया, फिर उसके बाद डोर पैनल्स जो है डोर पैनल्स भी बाहर निकाले, उसको भी अच्छे से फिटिंग कराया, उसके बाद जो हमारा आर्म रेस्ट रहता है वो उसको भी अच्छे से उन लोगों ने फिटिंग कराया, चारों डोर्स खोल दिए। एंड लेट मी शो यू द इंटीरियर, और आपको थोड़ा वाइड एंगल दिख रहा होगा क्योंकि मैं गोप्रो यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा इन लोग ने लेदर रैप किया हुआ है, इन लोग ने पूरा ये वाला जो चीज़ मैंने बोला था चेंज करूँगा तो ये मैंने चेंज कर दिया, चारों डोर्स में किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्वालिटी इतनी ज़्यादा सही है, आप देख सकते हो हेड रेस्ट का सब फिटमेंट जो है ना एकदम प्रॉपर आया, जैसे आप देख सकते हो ये वाला सीट भी एकदम प्रॉपर लग रहा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इसका फिटमेंट। फिटिंग जो है ना एकदम बकेट फिट हुआ है और एकदम प्रॉपर इन लोगों ने फिटिंग किया हुआ है। एक्चुअली इन लोगों का लेदर का जो मटेरियल है ना बहुत ज़्यादा सही लगा मुझे, और ये कम्फर्ट जो है ना एक्स्ट्रा बढ़ चुका है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पहले से मैंने बताया था पैडिंग है यहाँ पे, तो ये बढ़ चुका है। व्हील कवर के बारे में, तो स्टेयरिंग व्हील कवर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सही फिट हुआ है और मेरे को ऐसे ही स्टेयरिंग व्हील चाहिए था। एक्चुअली ये थोड़ा सा बाहर आ रहा था पहले, तो उन लोगों को मैंने बोला कि ये थोड़ा ठीक कर दो, तो उन लोगों ने कुछ टेप भी लगा के एकदम प्रॉपर कर दिया है। तो अभी स्टेयरिंग व्हील कवर भी बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, आप देख सकते हो कलर टोन यहाँ पे ब्लैक है, ये टैन है, ये बीच है, मतलब एकदम प्रॉपरली मिक्स मैच होकर आ रहे। तो शायद से मैं इन फ्यूचर चाहे तो मैं इसको पूरा ब्लैक कर दूँ, ब्लैक एंड टैन कर दूँ, बट लेट्स सी, अभी फिलहाल के लिए मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी आ जाए तो पीछे भी आप देख सकते हो एकदम फिटमेंट एकदम प्रॉपर दिया हुआ है इन लोग ने, और नीचे भी एकदम फिटिंग्स एकदम प्रॉपर हुआ है। मैं देता हूँ एक बार, तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे पॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पे एलिगेंट का ब्रांडिंग है, यहाँ पे भी एक ब्रांडिंग दिया हुआ है इन लोग ने, अच्छा हुआ गाइस पीछे पॉकेट दिया है ताकि हम लोग बॉटल्स या कुछ रखें, यहाँ पे भी इन लोग ने पॉकेट दिया हुआ है, ये सबसे बेस्ट चीज़ किया हुआ है इन लोग ने। पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैं अपना हैंड ब्रेक जो है उसका कवर चेंज कर दूंगा बाद में, एक्चुअली ऑर्डर किया हुआ अभी तक आया नहीं है। मेरे को एक दो काम क्या है, ये सब सीट जो है ये सब बाहर निकाल दूंगा मैं, बाहर निकालने के बाद क्या करूंगा अंदर से पूरा अच्छे से एक बार इंटीरियर क्लीनिंग कर दूंगा, गाड़ी एकदम परफेक्ट हो जाएगी, उसके बाद से हम लोग का आउटर काम रहेगा जो है बॉडी वर्क और पेंट्स एंड ऑल। तो धीरे धीरे गाड़ी जो है शेप में आ रही है। देखा कवर का क्वालिटी, कवर का क्वालिटी जो है ना बहुत ही ज्यादा प्रीमियम साइड पे, 100 रुपीज लगे मुझे सीट कवर फिटिंग कराने के लिए, जो एब्सोल्युटली द परफेक्ट प्राइस, 600 ले लो या 500 ले लो उतने में आपका रेंज में आपका काम होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, एमिनेंट से सीट कवर ऑर्डर कर लो आपके गाड़ी के लिए, और आप कोई भी फिटर ढूंढ लो, फिटिंग का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिटर भी बोलेगा भाई क्या सीट कवर एकदम प्रॉपरली फिट हो गया और एकदम मतलब एकदम इजिली फिट हो जाता है। मजेदार बात बताना है तो यहाँ पे अभी आप स्क्रीन में देख सकते हो हम लोग के कितने सब्सक्राइबर हो गए, तो सब्सक्राइबर ही बाकी है 1 मिलियन के लिए। तो जब तक मैं वीडियो डाल रहा रहूंगा शायद 1 मिलियन हो जाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीवन फॉर मेकिंग मी 1 मिलियन, वी लव यू गाइस, इतना ज्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया। पता है मुझे मैं थोड़ा लेट हो गया 1 मिलियन के लिए क्योंकि वीडियोस थोड़े कम आ रहे थे, अभी जैसे मेरे वीडियोस डाल रहे तो वैसे ही मैं ट्रैक पे आ चुका वापस से। आपको वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डू वॉच यू लव टिल देन, स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और हाँ 1 मिलियन हो गया तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती है, तो कंटेंट का लेवल थोड़ा और इंक्रीज हो जाए और मैं अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स आपको दे पाऊँ। बाय।